वेलकम टू शिक्षा विचार। मेरा नाम अनुज कुमार है और आज मैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता चुका भी हूँ मैं नहीं पर बात करूँगा। मैं कविता शुरू करता हूँ। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। शमशेर जी कहते हैं कि चुका भी हूँ मैं नहीं, अर्थात मेरे भीतर का जो सामर्थ्य है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रेम करने की जो क्षमता है वह आज भी मेरे हृदय में मौजूद है और सही मायने में मैंने अभी तक प्रेम किया ही नहीं है। वे आगे कहते हैं, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज, कहाँ सजे मैंने साज अभी। शमशेर जी कहते हैं कि पिघल उठेंगे युगों के भूधर, कि जब मैं प्रेम करूंगा तो जो युगों के भूधर हैं वह पिघल उठेंगे। दोस्तों, प्रेम में ऊष्मा होती है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी के हृदय को भी बदल सकता है, अर्थात प्रेम में हृदय परिवर्तन की क्षमता भी निहित होती है। भूधर, यहाँ जो भूधर शब्द है वह जड़ता का प्रतीक है, यह जड़ता है समाज की जड़ता। यहाँ पर शमशेर जी प्रेम के माध्यम से समाज की जड़ता को तोड़ने की बात करते हैं। वे आगे कहते हैं, उफन उठेंगे सात सागर। सागर, सागर जो है वह गहराई का प्रतीक होता है, और सात सागर, यह जो सागर है यहाँ पे इसका जो चित्रण किया गया है व्यक्ति मन के रूप में किया गया है, और ये जो सागर है ये सभी व्यक्तियों के मन में मौजूद होता है, यानी कि समाज में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। तो यह जो प्रेम है उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन की बात करते हैं। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, यहाँ तक कि जो समाज का मनोविज्ञान है उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। वे आगे कहते हैं, किंतु मैं हूँ मौन आज, कहाँ सजे मैंने साज अभी। यहाँ जो मौन शब्द है वह तैयारी से पहले की शांति है। वे कहते हैं कि अभी तक तो मैं तैयार ही नहीं हुआ, किंतु जब मैं तैयार होऊंगा, अर्थात जब मैं सुसज्जित हो जाऊंगा, तब सरल से भी गूढ़ गूढ़तर तत्व निकलेंगे। अमित विस्मय, सरल से भी गूढ़ गूढ़तर तत्व निकलेंगे अमित विस्मय, जब मथेगा प्रेम सागर हृदय। अर्थात जब हृदय में जो प्रेम सागर है उसका जब मंथन होगा तो उससे दो तत्व निकलेंगे, एक निकलेगा अमृत और एक निकलेगा विष। तो जो ये अमृत है वह तो समाज की जड़ता को समाप्त करने के साथ ही उसे पोषित करेगा, अर्थात जो अमृत है वह समाज को पोषित करेगा, किंतु जो विष निकलेगा वह समाज की जड़ता को तोड़ कर रख देगा। समाज की जो पारंपरिक रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जिनकी प्रासंगिकता नहीं रही है, वह जड़ हो चुकी हैं, यह जो विष है समाज की उसी जड़ता को तोड़ेगा। वे आगे कहते हैं कि निकटतम सबकी अपर शौर्यों की तुम, तब बनोगी तुम एक गहन माया में प्राप्त सुख, तुम बनोगी तब प्राप्त जय। ये जो अंतिम पंक्तियां हैं इसमें शमशेर जी जिससे प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम के उपरांत जो प्राप्त होगा उन्हें, वो जो हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। वह कहते हैं कि जब प्रेम के सागर का मंथन होगा तब मैं प्रेम करूंगा, और प्रेम करने से जो जय प्राप्त होगी वह सभी के निकट होगी। और जो मनुष्य हृदय के सबसे जो निकटतम भाव है वह है इंसानियत और प्रेम, अर्थात जिसके लिए संघर्ष किया जा रहा है वह है इंसानियत। यह जो इंसानियत है यह सभी के हृदय में होती है, किंतु व्यक्ति इससे परिचित नहीं होता है,
उसे उसके बारे में पता नहीं होता है। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ समाज को परिवर्तित करने के लिए किसी विचारधारा का सहारा नहीं लिया गया है। यहाँ पर परिवर्तन का माध्यम बन रहा है प्रेम। प्रेम जो है वह केवल व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं है, वह जुड़ा हुआ है कामना से, वह जुड़ा हुआ है इंसानियत से। और मनुष्य का सबसे खूबसूरत भाव इंसानियत ही होता है, कि उसके भीतर की इंसानियत को कैसे जगाया जाए। और इसीलिए शमशेर जी प्रेम को माध्यम बनाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो दो व्यक्ति होते हैं वैचारिक धरातल पर कितने भी अलग अलग हों, किंतु भावनात्मक स्तर पर प्रेम ही उन दोनों को जोड़ सकता है, किंतु बौद्धिक स्तर पर वह नहीं जुड़ पाते हैं, किंतु प्रेम उन्हें जोड़ देता है। तो इस प्रकार व्यक्ति और समाज के मनोविज्ञान में परिवर्तन के केंद्र में प्रेम है, अर्थात प्रेम के माध्यम से ही सभी लोग एक ही भावभूमि पर आकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।